Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST geography part chapter number 5 natural vegetation and wildlife part number 9 natural vegetation and wildlife part number 9 topic is wildlife. देखिए मोस्टली इस चैप्टर का जो हाफ पोर्शन है कि नेचुरल वेजिटेशन उसको हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल वेजिटेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसका हाफ पार्ट जो बचा है वाइल्ड लाइफ, उस वाइल्ड लाइफ को आज हम डिस्कशन करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ देखिए, इंडिया इज ऑल्सो द रिच इन इट इज द फ्यूना एनिमल्स लाइफ. जिस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन में इंडिया का हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसे ही हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ के अंदर भी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है. जैसे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्लांटेशन मिलते हैं, वेजिटेशन मिलते हैं, इसी प्रकार से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारे वाइल्ड लाइफ भी मिलते हैं. तो इसलिए इंडिया इज द ऑल्सो रिच, इसलिए जो इंडिया जो हमारा कंट्री है वो रिच है. किसमें? वाइल्ड लाइफ में. वाइल्ड लाइफ के अंदर रिच है. जैसे कुछ स्पीसीज पाई जाती है, जैसे इंडिया है अप्रोक्सीमेटली 19,000 एनिमल स्पीसीज. अगर जैसे देखते हैं भारत देश में तो लगभग 90,000 प्रकार के एनिमल्स की स्पीसीज मिलती है. उसमें से 2,000 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स और इसमें 2,000 प्रकार के बर्ड्स मिलते हैं. इन दोनों को अगर टोटल को मिलाते हैं, एनिमल्स को, एनिमल स्पीसीज और हम बर्ड्स को मिलाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट द 30% ऑफ द वर्ड्स टोटल. तो 13% टोटल वर्ड्स की हमारे ये ऐसे हमारे जीव मिलते हैं, ये हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं. 2,546 स्पीसीज ऑफ द फिश, लगभग हमारे 2,546 प्रकार की हमारे मछली पाई जाती है. तो नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो अगर पूरे विश्व का हम स्टॉक देखते हैं पूरे वर्ल्ड का, तो 12% हमारा ये इसमें स्टॉक है. 5 से 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लगभग 5 से लेकर 8% है, 5 से लेकर 8% से हमारे पूरे विश्व में पाए जाने वाले जितने जितने एम्फीबियंस, जिसको हम कहते हैं उभयचर, जैसे फ्रॉग है जो लैंड में भी और वाटर में भी रह सकता है, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव है जैसे स्नेक है ना, लिजार्ड्स है, छिपकली है, एंड मैमल्स, मैमल्स जो स्तनधारी है जो अपने जानवरों को अपने जैसे बच्चा पैदा करो दूध का स्तन का पान करती है ना, जैसे हाथी है, काऊ है, तो मैमल्स. एलिफेंट इन हॉट वेट, अब देखिए कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं. जैसे एलिफेंट इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ द आसाम कर्नाटक एंड केरल, जो एलिफेंट जो है बड़ा से जो बड़ा जानवर है जैसे, वे हमारे इंडिया के अंदर जो वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो आद्र यानी गीले जो जंगल है जैसे आसाम के अंदर, कर्नाटक और केरला के अंदर. इसी प्रकार से वन हार्बर रिजर्व्स इन द सेम्पी एंड द मर्सी लैंड ऑफ द आसाम एंड वेस्ट बंगाल, जो पानी के क्षेत्र में जैसे गंगा रिवर्स आप कह सकते हैं, कावेरी कृष्णा की जो दलदली वाला जो क्षेत्र है, जो पानी से भरा हुआ जो क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र वाले, उस प्रकार से हमारे ये वन रेनबो, वन एक सींग वाला जो है जानवर मिलता है आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर. वाइल्ड एस जैसे जंगली गधा है, वाइल्ड एस एंड द केमिकल्स आर द फाउंड इन द थार डेजर्ट, जैसे हमारे जो वाइल्ड एस और केमिकल्स है जो यहाँ पानी की मात्रा कम है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे थार डेजर्ट है और हमारा राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो गुजरात वाला पार्ट है जो ड्राई एरिया है वहाँ थार डेजर्ट में इस प्रकार के हमारे जैसे रैबिट्स मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, हमारे ना ब्लू काउस मिलेंगे, ये मैं जान सुनेंगे. इंडियन बाइसन, नीलगिरी, इसके अलावा जैसे
बाइसन से भारत बाइसन है, नीलगिरी है जो ब्लू काउज है, चौसिंगा चौसिंगा चार सिंह वाले है, गजल्स है, गजल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑन द डियर एंड मंकी, और विभिन्न प्रकार के ये डियर मिलते हैं हमारे। ये क्या है, ये गजल्स है ना, ये क्या है, एक टाइप्स ऑफ द डियर है, हिरण का ये एक प्रकार है, और विभिन्न प्रकार के मंकीज मिलेंगे, जैसे कुछ ब्लैक माउथ वाले, कुछ आपके रेड माउथ वाले, गोरे कलर वाले है ना, जैसे काले मुंह वाले बंदर, गोरे मुंह वाले बंदर। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द मंकीज और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द डियर ये फाउंड होते हैं हमारे इंडिया के अंदर ही मिलते हैं। बोथ टाइगर लायन एंड टाइगर एंड लायन आर द फाउंड इन इंडिया, हमारे भारत देश में ये हमारा एक कंट्री जो है इसके लिए रिच है, धनी है कि यहाँ टाइगर और जो लायंस है वो दोनों मिलते हैं, दोनों एक ही नहीं है, अलग है। जैसे लायंस है, लायंस ये हमारे गिर गुजरात के अंदर मिलते हैं, और जब टाइगर देखते हैं तो टाइगर और जो लियोपार्ड्स है वे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हिमालय रीजन से मिलते हैं। हमारे टाइगर्स और जो लियोपार्ड्स हैं, टाइगर्स और लियोपार्ड्स हैं मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हिमालय रीजन में मिलते हैं। ये उस वाला चिन्ह, जैसे सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में भी अब रॉयल बंगाल टाइगर्स है वे हमारे मिलते हैं। इन द रिवर्स लेक एंड द कोस्टल एरिया, जो मोस्टली जो हमारे जो रिवर्स है, रिवर्स वाले क्षेत्र में जो लेक्स वाले, झील वाले और कोस्टल एरियाज है, उस प्रकार से भी हमारे कुछ जंगली जीव मिलते हैं, जैसे जैसे टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है और घड़ियाल है, ये इस प्रकार से हमारे जीव मिलते हैं। कुछ बर्ड्स के भी हमारे टाइप्स है, बर्ड्स जैसे मिलते हैं, जैसे पिकॉक्स है ना, पीसेंट्स है, डक्स है और ना पैराकिट्स है, ना क्रेंस एंड पीजन्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे हमारे बर्ड्स के भी टाइप्स हैं जो हमारे ये मिलते हैं। तो ये टाइप्स थे हमारे वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर कि कौन कौन से हमारे वाइल्ड लाइफ है। इसलिए वी कैन से द आवर कंट्री इज नॉट ओनली द रिच इन द नेचुरल वेजिटेशन बट ऑल्सो द रिच इन द वाइल्ड लाइफ। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वे केवल एक प्राकृतिक वनस्पति में ही रिच नहीं है, हमारे वाइल्ड लाइफ में भी रिच है, और किस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हमारे हमारे ये जो एनिमल्स मिलते हैं, चाहे वे एनिमल्स हमारे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वे एम्फीबियंस हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं या मैमल्स हो सकते हैं या अदर देन द बर्ड्स वे बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ, आज का टॉपिक वाइल्ड लाइफ था कि किस प्रकार से हमारे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।